बारिश हो रही है। तो ये है मेरा फाइनल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज तारीख हो रही है 2 मार्च 2024 और 3 मार्च का जो है हमारे यहाँ फंक्शन है। तो अभी हमारे यहाँ कुछ तैयारियाँ जो है शुरू हो चुकी हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। बाहर आप देख रहे हैं टेंट का सामान आ चुका है। अब बारिश भी हो रही है, टेंट लगाने की तैयारियाँ भी हो गई हैं, लेकिन बारिश की वजह से काम रोक दिया गया है। और अब टेंशन इस बात की है कि अगर ऐसी ही बारिश होती रहेगी तो हमारा फंक्शन कैसे होगा, कैसे रिलेटिव्स आएंगे, कैसे प्रिपरेशन होंगी, कैसे सारे प्रोग्राम्स जो हैं अरेंज किए जाएंगे, क्या होगा। प्रे करिए कि बारिश ना हो, कल का दिन अच्छा हो, सनशाइन अच्छी हो और फंक्शन हमारे यहाँ का बहुत बढ़िया हो। बस यही प्रे है अभी तो हमारी। और थोड़े रिलेटिव्स जो हैं हमारे यहाँ आना शुरू हो चुके हैं, मैं भी आपको उनसे मिलाऊंगी थोड़ी देर में। आइए मैं आपको पहले बाहर की प्रिपरेशंस दिखाती हूँ क्या क्या हो रहा है, तो चलते हैं। तो गाइस, यहाँ पे टेंट का सामान आ चुका है, जैसा आप देख रहे हैं सामने ट्रैक्टर में चेयर्स और सारे सामान हैं। यहाँ पर टेंट लगने की तैयारियाँ हो रही हैं, उन्होंने पाइप बिछा के अपना अंदाज़ा ले लिया है। और यहाँ पे अब माता रानी के जगराते के लिए टेंट लगने वाला है, सभी लोग काम करते हुए। देखते हैं कैसा तैयार होता है पंडाल। चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक जब ये रेडी हो जाएगा। अभी सारे गेस्ट जो हैं मेन आ चुके हैं और सभी ने अपना अपना काम पकड़ लिया है, लगे पड़े हैं। कोई कद्दू काट रहा है प्रसाद बनाने के लिए। तो मैंने आप लोगों को बताया था हमारे यहाँ बहुत सारे मेहमान आ गए हैं। तो ये मेरी मौसी है, हेलो कर दो। तो सभी लोग आ गए हैं, यहाँ पे काम वगैरह करा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। तो चलिए आपको और लोगों से मिलाते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग मोहन भोग पैक कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये मेरी मौसी नानी सभी लोग हैं। ये देखिए मेरी मौसी हैं सभी, और ये मेरी नानी है, सब लोग मोहन भोग पैक कर रहे हैं। यहाँ पे आ गए सभी लोग पहले से हमारे घर, हमारे यहाँ तैयारियाँ कर रहे हैं सभी लोग। यहाँ पे मेरा भतीजा मोबाइल चला रहा है और सामने ये बच्चे डांस कर रहे हैं, इनको देख रहा है और साथ में मोबाइल चला रहा है। ओ दीदी, तुम क्या कर रही हो? अच्छा, ये इन बच्चों की हेड है, इन्हें डांस सिखा रही है ताकि ये कल डांस अच्छा करें। अगर अच्छा नहीं करेंगे तो ये बच्चे कूटेंगे। सुन रहे हो ना बच्चों, अच्छा डांस करना है, सब देखेंगे तुम्हें। तो चलिए कल इनका डांस देखेंगे, बच्चों का बहुत मेहनत कर रहे हैं बेचारे, कल देखिएगा इनका डांस। यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, बाहर का मौसम बहुत ख़राब हो रखा है और अभी टेंट नहीं लगा है, बस ऊपर से ये त्रिपाल जो है लगा दिया गया है ताकि नीचे की जगह ना गीली हो और कल पब्लिक सही से बैठ पाए। लेकिन सभी लोगों को टेंशन है कि क्या होगा कल, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, कैसे आएंगे सभी गेस्ट, कैसे यहाँ प्रिपरेशन होएगी। सभी लोग काम में लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे फूल आ चुके हैं, अब इनसे हम घर डेकोरेट करेंगे और झांकियों वगैरह में यही फूल यूज़ करने वाले हैं। देखो कितने सारे फ्लावर्स हैं। अभी बज रहे हैं रात के 9 और यहाँ पे दूसरी मंडली बैठ गई है अपना काम लेके, सभी लोग यहाँ अपना काम कर रहे हैं। ये देखिए सभी लोग यहाँ फूलों की माला बना रहे हैं, सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पे भी मेरी एक माला जो है रेडी हो चुकी है और अभी अब हम इसे घर डेकोरेट करेंगे और आपको दिखाएंगे। हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज डेट हो गई है 3 मार्च और आप लोगों को पता है आज हमारे यहाँ बिग डे है,
तो बिग डे से पहले आज हम लोगों ने एक सत्संग के लिए ऑर्गेनाइज किया है जो कि बाहर चल रही है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बाहर चल के सत्संग दिखाती हूँ। बाहर सत्संग चल रहा है, सभी लोग आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, सत्संग सुन रहे हैं। तो हम भी चलते हैं और सत्संग को सुनते हैं। ये मेरा भांजा और ये मेरी भांजी। बेटू मैं अच्छी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ। पुछी दे दो, पुछी। मैं ले अब नानी नाना एक झोने आ जावा जरा, तई तो बताएंगे जे हमारे नानी नाना है। तो झोने आवो, तुम पर कर लियो जरा मुंह। अब जरा काम करो तो भाई अच्छे से, ऐसे थोड़ी ना नई बहुरी कत बन गए तुम तो। अब पुराने ही गए हो तुम, हम ना मानेंगे। पापा नमस्ते। आप तुम समझ जाओ, आप तुम क्या कहते हैं ऑनलाइन नजर आ गए सब, तो तुम फेमस ही जागे। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? बनाना खा रहा है। अच्छा खा लिया हाँ, बनाना खा लिया। ओके तो यहाँ पे अब शाम हो चुकी है और मेहमान आना शुरू हो गए हैं और काफ़ी सारे अंदर बैठे हुए हैं। वहाँ पे कथा की तैयारियाँ हो रही हैं, पंडित जी आ चुके हैं। यहाँ पे सारे रिलेटिव और यहाँ पे जगराते का सामान आ चुका है, मूर्तियाँ थोड़ी देर में सेटअप हो जाएगा, फिर आपको दिखाते हैं। निर्गमे तथा संग्रामे सकते सहजाज देवी श्रीमद महागणा।
विष्णु भगवान का ध्यान करेंगे। ओम शुक्लाम वरधरम विष्णु शशि बाण चतुर्भुजम प्रसन्न पदम जय। वाले सभी आर्टिस्ट आ चुके हैं और वो लोग तैयार होने की तैयारियां कर रहे हैं, मतलब उन्होंने अपना सारा मेकअप का सामान वगैरह निकाल लिया है और वो कुछ ही देर में तैयार होंगे। और तैयार होने से पहले उन्होंने अपने जो सामान है मेकअप का उनकी पहले पूजा की है, अगरबत्ती वगैरह लगाई है और अब वो तैयार होंगे। और फिर जब ये तैयार हो जाएंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ सभी आर्टिस्ट कैसे लग रहे हैं। गाइस हम लोग खाना खा रहे हैं और आज खाने में बनाया है सब्जी, क्या की है, गोभी आलू और छोले। देखो आ जाओ आ जाओ, बस हम तीन ही लोग खा रहे हैं, बाकी सब खा चुके हैं, खाना खत्म हो चुका है। दाल बन रही है अभी। यहाँ देखो कैमरे में, इधर बेटा, इधर देखो बेटा, इधर देखो। पंडित जी थोड़ा आगे आओ बेटा, इधर देखो, पंडित ये इधर देख लेना, अभी देख लो ग्रुप फोटो जाएगा, थोड़ा सा इधर को ऐसे ऐसे देखो, जी सामने देखना सब लोग, ठीक है जी, चलो ध्यान स्मरण करेंगे। ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। समापन
आपके जो घर के देवी देवता हैं, जिनको आपने अपने मंदिर में स्थान दिया है, हाथ जोड़िए, आठ मंत्र करके उनका नाम स्मरण कीजिए, अपने पितरों का स्मरण कीजिए कि आप आए और हमारे शुभ कार्यों को सफल करें। छोड़ दीजिएगा देख लो।
चाचा जी और काना जी बड़े ही क्यूट लग रहे थे, बहुत सुंदर इनने झांकियाँ करी और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बड़ा मज़ा आया है। सब लोग बहुत इंजॉय किया आप लोग की झांकियों को, और आप लोग भी करेंगे इंजॉय। चलिए नीता आपसे कुछ बोलेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर।